हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे पीएच मीटर का कैलिब्रेशन एंड अदर जो मटेरियल है उनका पीएच कैसे निकालते हैं दो मिनट में पीएच मीटर का कैलिब्रेशन और सैंपल का पीएच का एनालिसिस। तो ये आप देख रहे हैं पीएच मीटर है जिस पर कई की हैं, बहुत सारी की हैं। पहला एस्केप का की है, अप एंड डाउन का की है एंड एंटर का की है, और ये डिजिटल स्क्रीन है जिस पर पीएच होता है शो होता है, साथ में टेम्परेचर भी शो होता है, साथ में मोड का स्क्रीन मोड का ऑप्शन है, होल्ड का ऑप्शन है और स्टोर का ऑप्शन है और आउट का ऑप्शन है। इसके साथ साथ में जो जुड़ा हुआ है वह है पीएच इलेक्ट्रोड, जिससे कि जो कि पीएच मेजरमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका, दैट इज़ द ग्लास इलेक्ट्रोड। ये ग्लास इलेक्ट्रोड है और इसके साथ में एक टेम्परेचर प्रोब होती है जो कि टेम्परेचर के वर्सेज हमें पीएच का मान बताती है पीएच को मेजरमेंट करने में, क्योंकि हम जानते हैं पीएच जो होता है वह टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। तो हमारे पास बफर सॉल्यूशन है पीएच कैलिब्रेशन के लिए, सबसे रिक्वायरमेंट है बफर सॉल्यूशन की, जो पीएच 4 का बफर सॉल्यूशन है, साथ में 7 पीएच का बफर सॉल्यूशन है और 9 पीएच का बफर सॉल्यूशन है। तीनों बफर सॉल्यूशन लैब में प्रिपेयर किए हुए हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ बफर सॉल्यूशन कैसे तैयार करें, हाउ टू प्रिपेयर द बफर सॉल्यूशन इन द लैब। और आज हम केवल पीएच का कैलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, तो आइए आज केवल पीएच का कैलिब्रेशन के ऊपर बात करें। तो सबसे पहले हम जाते हैं ऑन द स्क्रीन ऑफ पीएच मीटर, तो इसके अंदर सबसे पहला एंटर को प्रेस करते हैं। ये स्क्रीन है, सबसे पहले सेलेक्ट पोजीशन, सेलेक्ट पोजीशन पे जो स्क्रीन दिखाई दे रही है इसमें तीन मेन्यूज हैं, फर्स्ट है पीएच, सेकंड है मिलीवोल्ट एंड थर्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर 25 डिग्री पे ऑलरेडी सेट होता है, डिफॉल्ट सेटिंग होती है। साथ साथ में पीएच है, पीएच जो कर्सर होता है जिसको मूव कर सकते हैं हम अप एंड डाउन की से। फॉर एग्जाम्पल मिलीवोल्ट में अगर आप देखना है जो कि टेम्परेचर पर ला सकते हैं, अगर टेम्परेचर सेट करना हो मिलीवोल्ट को सेट करना हो तो मिलीवोल्ट भी ला सकते हैं। और अभी हमें पीएच मेजरमेंट करना है, पीएच कैलिब्रेशन करना है, तो कर्सर पीएच की पोजीशन पे रहेगा। उसके बाद में हम एंटर प्रेस कर देते हैं। एंटर में दो ऑप्शन आते हैं, रीड का एंड कैलिब्रेशन का। रीड का ऑप्शन तब होता है जब हम पीएच का कैलिब्रेशन करते हैं, कैलिब्रेशन का होता है जब मेजरमेंट किसी भी सैंपल का मेजरमेंट करने से पहले अगर कोई कैलिब्रेशन करना होता है तो कर्सर को कैलिब्रेशन पोजीशन पे हम ले आते हैं। कैलिब्रेशन प्रोसेस पोजीशन पे आ गया कर्सर, तो उसके बाद में हम एंटर प्रेस करते हैं। एंटर की के बाद में ये कैलिब्रेशन मांगता है ऑटो और मैनुअल। हम अभी बफर सॉल्यूशन से अगर इसका कैलिब्रेशन करना चाह रहे हैं तो इस कर्सर को मैनुअल पोजीशन पर लाना होगा, जो कि हम अपन और डाउन की सहायता से ला सकते हैं। अप डाउन प्रेस करेंगे, कर्सर मैनुअल पोजीशन पर आ गया, उसके बाद में एंटर। अभी ये मांग रहा है डिप द इलेक्ट्रोड इन बफर सॉल्यूशन 1, अर्थात डिप द इलेक्ट्रोड इन बफर सॉल्यूशन, एंटर प्रेस किया जाए। कौन सा सॉल्यूशन पर डिप करना है ये मांग रहा है, 7 पीएच का बफर सॉल्यूशन इसको चाहिए, तो हम इलेक्ट्रोड को 7 पीएच के बफर सॉल्यूशन में डिप करेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रोड ले लिया, ये हो गया 7 पीएच का बफर सॉल्यूशन। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स प्रेस द की, हम एंटर की को प्रेस करेंगे, तो पीएच जो शो रहा है वो रहा है 7.07, दैट इज द कैलिब्रेट पोजीशन। हमने 7 पीएच के बफर सॉल्यूशन के अंदर ही इसको इलेक्ट्रोड किया है और स्क्रीन पर जो शो रहा है वो 7 पीएच ही शो रहा है, तो इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर अब मांग रहा है डिप इलेक्ट्रोड बफर सॉल्यूशन 2, एंटर। बफर सॉल्यूशन इज 4 पीएच के बफर सॉल्यूशन में डिप करना है इसको। अब इलेक्ट्रोड को डबल डिस्टिल वाटर से वॉश करना है, टिश्यू पेपर से साफ करना है, उसके बाद में इसको 4 पीएच के सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है और कैलिब्रेशन के लिए वापस एंटर प्रेस करना है। तो इस फ्यू सेकंड्स के बाद में वैल्यूज है इसकी 4.24, उसके बाद में एंटर। दैट इज कैलिब्रेशन इज ओके, अब स्क्रीन पे आ गया कैलिब्रेशन डन, और सेलेक्ट पोजीशन पे आ गया रीड और कैलिब्रेशन। अब रीड की पोजीशन पे कर्सर है तो हम कोई भी सॉल्यूशन का पीएच इससे मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्यूशन है, दैट इज द अननोन सॉल्यूशन, आई डोंट नो दैट इज द एसिटिक रेंज या बेसिक रेंज। उसके बाद में हम पहले इलेक्ट्रोड को वॉश करेंगे डबल डिस्टिल वाटर से वापस से, और जो टेम्परेचर प्रोब और इलेक्ट्रोड है
जिस सैंपल में हमें ये पीएच निकालना है उसमें डिप कर देंगे। डिप करने के बाद में वापस से एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसका पीएच आ गया 2.82। 2.82 मीन्स हो गया एसिटिक रेंज। हम जानते हैं कि 0 से 7 पर 7 पीएच तक जो होता है वो एसिटिक रेंज होती है, 7 पीएच न्यूट्रल रेंज होती है, 7 टू 14 जो रेंज होती है पीएच का वो होता है बेसिक रेंज। तो इससे कन्फ्यूजन निकलता है, जो हमारे पास अननोन सॉल्यूशन है दैट इज द अननोन सॉल्यूशन जिसका हमने पीएच भी मेजर किया दैट इज 2.82 जो कि एसिटिक रेंज में है। अतः हम बोल सकते हैं रिपोर्ट में, रिपोर्ट कार्ड में लिख सकते हैं कि आप दैट इज द एसिटिक रेंज, पीएच इज 2.82। थैंक यू। ठीक है, बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, अच्छा लगा। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि बफर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी मीटर कैसे कैलिब्रेट करते हैं एंड अदर इंस्ट्रूमेंट जो बड़े मेजर इंस्ट्रूमेंट है उनका वीडियो बनाऊंगा। HPLC हो गया, GC हो गया, IR हो गया, FTIR हो गया। तो लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।